दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल आपको रियल एस्टेट ट्रेनिंग और रियल एस्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देने का काम करता है। और मैं हूं राजवंश सिंह माली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक रियल एस्टेट बिजनेस को लेके ही है या उससे थोड़ा हटके है। एक ऐसे दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा या दो भाइयों की कहानी सुनाऊंगा, दो कज़न हैं जो, उनकी कहानी सुनाऊंगा जो देखने में आपको रिच डैड पुअर डैड जैसी ही लगेगी। लेकिन रिच डैड पुअर डैड का तो मेरे को पता नहीं कि कितनी उसमें सच्चाई है कितनी नहीं। ये 100% रियल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दो कज़न हैं, एक का नाम सुरेश कुमार है और दूसरे का नाम नरेश कुमार है। दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में इकट्ठे साइकिल से जाते रहे, एक मतलब एक ही जगह पे पढ़ना, एक ही जगह पे सब कुछ करना। लेकिन सुरेश कुमार की पढ़ाई में रुचि नहीं है, वो बिल्कुल मतलब कोई जो होमवर्क दिया जाता है टीचर के द्वारा वो भी कभी हो जाता है कभी नहीं होता, उसको टीचर जो समझाते हैं उसको समझ में नहीं आता। उसके उल्ट नरेश कुमार बहुत ज़बरदस्त, जो भी टीचर पढ़ाते हैं आके पढ़ता है, वो घर पर भी आके होमवर्क भी करता है, प्रॉपर करता है। सुरेश कुमार को स्कूल में भी डांट पड़ती है, घर में भी डांट पड़ती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे को हमारा पैसा खराब कर रहा है, तू ये कर रहा है। टीचर्स भी उसको डांटते हैं, पीटते हैं और नरेश कुमार की सब जगह पर वाहवाही होती है कि क्या बात है यार, बच्चा हो तो ऐसा। तो सुरेश कुमार जब पढ़े ही नहीं तो कहीं पर जाके मैट्रिक के आसपास इसको हटा लिया गया और ये हटाने के बाद इसको स्कूटर मैकेनिक के पास लगा दिया। अब स्कूटर मैकेनिक के पास जा रहा है, कपड़े काले हो रहे हैं, मतलब वहाँ पर सारा दिन काम कर रहा है तो काम कर रहा है और थोड़ा कई बार पछताता भी है कि यार मैं पढ़ लेता तो अच्छा था। लेकिन इसी तरीके से वो काम में उसकी रुचि बढ़ जाती है और रुचि बढ़ने पर वो काम सीखना शुरू कर देता है। काम सीखने के बाद वो अच्छे तरीके से, जब उसको काम आ जाता है, काम के बारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो पुराने स्कूटरों की सेल परचेज शुरू करता है। बाइक कोई ले लिया, किसी को दिला दिया, उसमें कमीशन आ गई, तो धीरे धीरे करते करते वो अपनी मैकेनिक की इंडिपेंडेंट शॉप खोल लेता है। इंडिपेंडेंट शॉप खोलने के बाद फिर वो आदमी, जब उसके पास दो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, वो बहुत अच्छा मतलब मैनेजर बहुत अच्छा हो, जब उसके पास दो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो अपने साथ और बंदे जोड़ लेता है, ताकि जितने बंदे उसके पास स्कूटर रिपेयर के लिए आ रहे हैं, बाइक रिपेयर के लिए आ रहे हैं, कोई आदमी सेटिस्फाई होने के बिना ना चला जाए। तो वो हर आदमी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है और करते करते उसका काम बढ़ जाता है। और काम बढ़ने के बाद वो कभी स्कूटर की और बाइक की एजेंसी ले लेता है। स्कूटर बाइक की एजेंसी लेके ठीक है, उसका काम शुरू हुआ है, काम में अपना कर रहा है। तो स्कूटर बाइक की एजेंसी लेने के बाद जैसे जैसे उसका काम में और इंटरेस्ट होता जाता है, काम पर उसकी पकड़ होती जाती है, तो एक दिन करते कराते वो कारों की एजेंसी ले लेता है। कारों की एजेंसी लेने के जब लेता है तो उसकी उम्र 40 के आसपास होती है। तो उसके जो बच्चे हैं, बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ा लिखा लेकिन उसको ना पढ़ने का अफसोस जरूर है। अपने बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है, बहुत अच्छे पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, कारों में जा रहे हैं, बच्चे जो बच्चों को चाहिए सब कुछ मिल रहा है। अब नरेश कुमार एक सुपर इंटेलिजेंट आदमी, और सुपर इंटेलिजेंट के बाद कहीं इसने मतलब पहले BA करी, फिर MA करी, MPhil करी, MPhil के बाद PhD के बाद टीचर लग जाता है। ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, दोनों बराबर के हैं। और ये आदमी करते कराते ये कहीं पर स्कूल में, कॉलेज में कहीं लेक्चरर लग जाते हैं, PhD की हुई लेक्चर की पोस्ट मिल गई, तो 40-50 हज़ार पता नहीं कितना जो भी सैलरी इसको मिलती है। तो ये आदमी के पास तब मरुति कार रखी हुई थी, जैन, तो इसके पास मरुति जैन थी। और ये मरुति जैन में पहले तो ये समझते थे कि मैं बहुत बड़ी मतलब पोस्ट पर हूँ, मैं बहुत बड़े हूँ। लेकिन जैसे जैसे इसके साथ ये आदमी का काम ग्रो करता जाता है तो ये आदमी वहीं का वहीं स्टक हुआ रहता है। पावर ऑफ बिजनेस क्या है, जो मैं पहले भी कहता हूँ कि अपने काम करने के लिए हम अपने ऊपर मेहनत करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते हैं, अपने आप को खुशहाल करते हैं, अपने आप को अपने आप का विकास करते हैं। लेकिन इसमें हम लोगों की सेवा करते हैं, हमारी
सैलरी जो है, हमारा वेतन है, यहाँ पर बढ़ाना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पर जितना आप चाहो उतना हो सकता है। तो जब ये दोनों, फिर ये आदमी कि जब इस कारों की एजेंसी ले लेता है तो इसके पास मर्सिडी गाड़ी आ जाती है, कुछ और मतलब इसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, कुछ और किया, तो बहुत अच्छा। बाद में आते मैरिज पैलेस वगैरह बना लिया, मतलब इसने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम तैयार कर लिए। और ये बेचारा पीएचडी का पीएचडी वहीं पर। जो आदमी, जो इसके माँ बाप इसको गालियाँ देते थे, पीटते थे, इसको डांटते थे, इसके टीचर डांटते थे, अब सब इसी के भक्त हो गए। क्योंकि मटेरियलिस्ट का जमाना है, मटेरियल का जमाना है, जिसके पास, जिसकी कोठी दाने, उसके कमले भी सियाने, मतलब जिसके घर में दाने हों उसके सभी के सभी सियाने होते हैं, समझदार हो जाते हैं। तो जब इसके पास पैसा आता है तो लोग इसको जाके सलूट करते हैं, लोग इसको कहीं लेकर जाना है, कहीं अपना कोई टूर्नामेंट है, कहीं और है, जहां भी इसको इसको मतलब बुलाते हैं, इसको नहीं बुलाते। पहले इसकी इज्जत ज़्यादा रही और इसकी अब इसकी इज्जत ज़्यादा हो गई। सिंपल बात यह है कि इस बंदे ने अपने सेल्फ एजुकेशन के ऊपर काम किया, अपनी नॉलेज बढ़ाई, लोगों के साथ मिला, लोगों को साथ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया, लोगों के साथ अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाई, लोगों के साथ अपना सहचार बढ़ाया। इस आदमी ने अपनी डिग्रियों का थब्बा बढ़ाता रहा। तो डिग्रियों का थब्बा है जो हमेशा आपको एक मतलब जॉब तो दिला देगा, लेकिन जिसको हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं वो नहीं दिला सकता कभी। तो इस फर्क यह है कि इस बंदे ने अपने ऊपर खर्च किया, अपने ऊपर अपनी मतलब लोगों के साथ मिलके अपने पर्सनैलिटी डेवलप की, और इस आदमी ने डिग्री ली। ये आदमी डिग्री लेने के बाद पीछे रह गया, और ये आदमी अपनी दिमाग के साथ बहुत आगे निकल गया, चाहे पढ़ाई लिखाई इसके पास कम थी। पढ़ा लिखा होना, डिग्री होल्डर होना और चीज़ है, एजुकेटेड होना और चीज़ है, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। मैंने अपने ऑफिस में लिख के लगाया था, आर यू जस्ट ए डिग्री होल्डर और एजुकेटेड? क्या आपके पास डिग्री ही है या आप एजुकेशन भी है आपके पास, आपके पास बुद्धि भी है थोड़ी बहुत? ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा डिग्री हो वो ज़्यादा समझदार हो जाएगा। मेरा एक जानकार गुरमेल सिंह उसका नाम है, और वो आदमी 5 पढ़ा हुआ सिर्फ, तो उसने मर्सिडी गाड़ी रखी हुई थी। तो हमने उसको बोला कि यार तुम इतने कम पढ़े लिखे हो तो मतलब मर्सिडी गाड़ी रखी हुई है, इतना तुम्हारा स्टेटस है, यदि तुम पढ़े लिखे होते तो कहता फिर क्या होता, फिर मैं टीचर लगा होता और मेरे हाथ में साइकिल में या स्कूटर पे मेरे रोटी का डब्बा होता, खा के मैं आ जाया करता, या ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को घर वाले फौज में भर्ती करा देते। मैं ना पढ़ के अच्छा रहा, मैं अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मेरे को पढ़ने नहीं भेजा, मेरे को पढ़ाया नहीं। मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल टोटल इलिटरेट है, वो अपने सेल्फ एजुकेशन के ऊपर उसने ध्यान दिया, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, उसने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के वो आगे बढ़ता गया। तो वो मतलब ट्रांसपोर्टर बना, ट्रांसपोर्टर के बाद उसने मर्सिडीज गाड़ी, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी ली, चाहे उसके पास पढ़ाई कम थी लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस कहीं ज़्यादा था। तो ये दोनों भाइयों में भी ये सेम ही बात हुई। अब मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि आप पीएचडी बनना चाहते हो या इस तरीके का बनना चाहते हो? यदि आप इस तरीके का बनना चाहते हो तो अपने ऊपर खर्च करो, अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च करो, अपने सेल्फ एजुकेशन के ऊपर खर्च करो। सेल्फ एजुकेशन ये एकेडमिक एजुकेशन है, ये स्कूली एजुकेशन है, ये सेल्फ एजुकेशन है। सेल्फ एजुकेशन हमेशा ही बेटर रहेगी स्कूली एजुकेशन से। हाँ, स्कूली एजुकेशन के बिना हमारा गुजारा नहीं है, हमारे पास कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी अप्लाई करने के लिए डिग्रियाँ जरूर होनी चाहिए, लेकिन डिग्रियों का मतलब ये नहीं कि हमारे पास एजुकेशन ना हो। डिग्रियों का तो हमारे पास थब्बा हो और एजुकेशन बिल्कुल ना हो। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपके पास यदि डिग्री हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास एजुकेशन होनी भी बहुत ज़रूरी है। मैंने जब बैंक ज्वाइन किया, हमारे पास साथ एक सरवण सिंह नाम का लड़का था, हमारे बैंक में ही था, और एमए की हुई थी उसने, तो वो एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकता था। तो जब उसको पूछते थे तू एमए कैसे कर ली, तो बस उसके पास कोई जवाब नहीं होता, मतलब डिग्री तो है एजुकेशन है ही नहीं। पता नहीं किस तरीके से वो बैंक में भी सिलेक्शन होगी उसकी। इस तरीके के हमारे पास केस हमें देखने को मिलते हैं। सो मैं बार बार यही आपको
अपील करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि अपनी एजुकेशन के ऊपर, सेल्फ एजुकेशन के ऊपर ज़रूर ध्यान दो, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने वाली है। ये आपको जॉब की तरफ लेके जाएगी, ये आपको फाइनेंशियली फ्री करेगी। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और चर्चा करना इसके ऊपर। आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना, ताकि कोई अच्छी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम सीखते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे हम। राजवंश सिंह वाली आपका दोस्त, आपका सहयोगी, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा। थैंक यू।